Now this is the second lecture of T.S. Eliot about Milton. The lecture is known as Milton 2 by T.S. Eliot. This essay was printed or published in 1947 after the 12 years of the publication of the first lecture on Milton by T.S. Eliot. ये पहले लेक्चर के 12 साल बाद पब्लिश हुआ. इन 12 सालों में T.S. Eliot ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ लर्न किया. इसने अपनी पुरानी राय को बदला. फिर इसने मिल्टन 2 को एक और एंगल से देखा और क्रिटिक्स को पढ़ा तो इसकी मिल्टन के बारे में राय बदल गई. अ बिट चेंज. अब ये समझ लें कि ये नहीं आप कह सकते कि 100% इसने उसको एक्सेप्ट कर लिया था. हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड मिल्टन एज अ गुड पोएट, एज अ ग्रेट पोएट. उसकी ग्रेस को मानने में जरूर कामयाब हो गया था. हाँ, ये जरूर है कि मिल्टन 2 में भी ये कहता है कि ही इज नॉट वर्थ टू बी फॉलोड. वो इतना नहीं है कि आप उसको फॉलो कर सकें, लेकिन उसको अब नेगेटिव नहीं है लेता. अब इसके ऐसे का जो पहला हिस्सा है ना, पहले हिस्से में वो अपोलोजाय करता है, वो माफ़ी मांगता है. और माफ़ी मांगने के लिए इन्हें को दो चार चीज़ें बताता है कि मैं डिफेंड करता है ना, अपनी जस्टिफिकेशन देता है कि मैं मिल्टन 2 क्यों लिख रहा हूँ और मिल्टन 1 में मुझसे क्या हुआ था. कहता है कि एवरी एज कैरीज सम एरर्स, एरर्स शुड बी रेक्टिफाइड एंड प्रेजुडाइसेस शुड बी अपोज्ड. कहता है कि हर जो दौर होता है, हर दौर में जो लिखने वाले लोग होते हैं, हर दौर में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ मसाइल होते हैं, कुछ एरर होते हैं. कोशिश ये होनी चाहिए कि उन एरर्स को आप ख़त्म करें लिटरेचर के हवाले से. और अगर आपकी प्रेजुडाइसेस हैं, कुछ आपके तासुबात हैं, तो आप उनको अपोज करने की कोशिश करें, आप उनको कम करने की कोशिश करें, आप उनको ख़त्म करने की कोशिश करें. कहता मैं भी यही कर रहा हूँ. सम ऑफ द एरर्स आर टू माय नेम एंड दे आर टू बी कनेक्टेड बाय माय सेल्फ व्हिच आई एम डूइंग सो. कहते कि कुछ गलतियाँ उनको मुझसे जोड़ दिया जाता है कि मैंने ये गलती की थी मिल्टन पे बात करके. कहता है कि ठीक है भाई, मैं मान लेता हूँ मुझसे कोई गलतियाँ जो मेरी वजह हवाले से थी ना, कुछ तो एज के हवाले से थी जो मैंने डिस्कस की, जो मेरे हवाले से थी वो मुझे रेक्टिफाई करनी चाहिए, वो मुझे करेक्ट करनी चाहिए, वो मुझे ठीक करनी चाहिए. मैं वही काम कर रहा हूँ. कहते द क्रिटिक कंसर्न्ड विद वर्क रादर देन एन ऑथर एंड ही फाइंड्स द रिलेशन ऑफ द वर्क विद हिज एज. लेकिन कहते हैं कि मैंने जो पहले रिजेक्शन दी थी ना, एक वजह यह है कि हमें जो कनेक्शन है ना राइटिंग का, राइटर के साथ नहीं इतलाश करना चाहिए, हमें एज के साथ देखना चाहिए. तो मुझसे ये कुछ मिस्टेक, ये कहना चाहता है कि ये हो गई कि मैंने राइटर को, उसके राइटिंग को उसके साथ जोड़ना शुरू कर दिया. एज के साथ जोड़ा होता तो ये वाले मसाइल शायद ना होते. फिर अगली जगह पे वो कहता है क्रिटिक शुड हैव अ कंपेयर एंड कंट्रास्ट विद द क्रिटिक्स ऑफ अदर एज एज ही हिमसेल्फ विद डॉक्टर जॉनसन. कहते हैं कि एक क्रिटिक को ना अपना मवाजना दूसरे क्रिटिक्स के साथ भी कर लेना चाहिए, ताकि वो जो राइटिंग लिखने जा रहा हो उसके बारे में उसके ना कोई व्यूज अपने भी बन जाए. जैसे डॉक्टर जॉनसन के बारे में कहते हैं, जॉनसन वाज अ पर्सन हु आल्सो अगेंस्ट द राइटिंग स्टाइल ऑफ द मिल्टन एज वेल. जॉनसन भी एक ऐसा बंदा था जिसने के मिल्टन के खिलाफ बहुत कुछ लिखा. तो कहता है कि मेरा कंपैरिजन जो है ना, आप जॉनसन से इस हवाले से कर सकते हैं कि वो खुद भी पोएट भी था, क्रिटिक भी था. मैं भी पोएट भी हूँ, क्रिटिक भी हूँ. उसने भी मिल्टन के खिलाफ बात की, या मिल्टन को उसने जज किया, मैंने भी मिल्टन को जज किया. तो लिहाजा कंपैरिजन में कुछ ना कुछ फर्क तो मेरी तरफ से भी आना था. क्रिटिक शुड जज द फॉल्ट सिंपैथेटिकली. कहता है अगली बात यह है कि एक क्रिटिक को किसी भी राइटिंग को जज करते हुए ना सिंपैथेटिक होना चाहिए, उसे तरह ना रहम दिलाना रवैया अख्तियार करना चाहिए, इतना जालमाना नहीं होना चाहिए कि वो किसी राइटिंग को उठा के सिरे से ही रिजेक्ट करते. फिर अगली बात वो कहता है अ वर्क ऑफ पोएट्री शुड बी जज सेपरेटली फ्रॉम पोएट्स एज. फिर कहते हैं दूसरी बात यह है कि बेशक आप उसको एज के मुताबिक, जैसे वो ऊपर कहते हैं, वो आप जज करते हैं, लेकिन आप जो पोएटिक वर्क होता है ना, आप उसको एज से हटा के भी चेक करें. क्योंकि खुद इसकी थ्योरी यही है ना, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में भी इसने बयान किया कि आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी का मार्जिन रखना चाहिए, और इसका फोकस पोएट पे नहीं, पोएट्री पर है. तो यहाँ पर इसकी मिस्टेक तो हुई ना, किसने अपना फोकस पोएट पे कर लिया पोएट्री की बजाय, सिर्फ पोएट्री को जज करते. तो कहता है कि एक क्रिटिक को चाहिए कि वो पोएट की बजाय उसके लिखे हुए रिटन वर्क पे ध्यान दे. अब इससे आगे आ जाते हैं इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ, उसमें सबसे पहला है कि मिल्टन एन अनहोलसम इन्फ्लुएंस. उसका अनहोलसम, नाकाबले तरदीद, बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सल इन्फ्लुएंस. इसमें कुछ पॉजिटिव बातें और कुछ रिजेक्शन हैं. मरे एंड कीट सेट अबाउट मिल्टन दैट ही रोट बियॉन्ड द लिमिट्स एंड इट्स डिस्ट्रक्टिव. इलियट रिजेक्टेड देम बाय सेइंग दैट एवरी राइटर इवन शेक्सपियर लाइक फिगर ऑल्सो रोट मच दैट That is beyond the limits and unachievable. कहते हैं कि मरी एक क्रिटिक है और कीट्स, इन दोनों ने मिल्टन को रिजेक्ट किया था
और मिल्टन को रिजेक्ट करने के पीछे वजूहात इन लोगों की क्या थी? इन लोगों ने कहा था कि मिल्टन ने एक ऐसा बैरियर सेट कर दिया, एक ऐसी लिमिट्स सेट कर दी हैं जिन तक पहुंचना किसी भी रीडर के लिए या और राइटर के लिए मुमकिन नहीं है। इससे इसमें लैंग्वेज की खिदमत नहीं की ना लिटरेचर की, बल्कि ये वाली जो चीज़ है ये डिस्ट्रक्टिव है। इस चीज़ की बुनियाद पर उन लोगों ने कहा। अच्छा, इलियट क्या कहता है? इलियट रिजेक्टेड देम बाय सेइंग दैट एवरी राइटर इवन शेक्सपियर लाइक फिगर, कहते हैं शेक्सपियर जैसा बंदा भी, उसने भी बहुत कुछ ऐसा लिखा है अपनी वर्ड्स में भी, अपने ड्रामाज में भी, जो बियॉन्ड द लिमिट्स और अनअचीवेबल है। यहाँ पे वो ये कहना चाहता है कि भाई हर राइटर अपनी एक वर्थ, अपना एक स्टैंडर्ड, अपना एक स्टाइल, अपनी एक रेंज रखता है। तो शेक्सपियर ने भी रखी, और भी ढेर सारे लोगों का हवाला देके कहते हैं उन लोगों ने भी रखी। तो सिर्फ आप इस चीज को बुनियाद बनाकर किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, तो ये वाली बात गलत है। कीट्स और मरी इस बात के ये खिलाफ जाता है। फिर अगली बात ये करता है, द लैंग्वेज, द सिंटैक्स, द वर्सिफिकेशन, द इमेजरी ऑफ मिल्टन कांट बी कंसीडर्ड एज having bad influence because we have no proof before this influence poets wrote better work. यहाँ पे बड़ी खूबसूरत एक बात डिस्कस करता है। इसने कहा कि भाई आपने कह दिया कि मिल्टन ने बहुत बैड इन्फ्लुएंस छोड़ा है, बड़ा डिस्ट्रक्टिव इसका स्टाइल है, इसने आने वाले सारे दौर को डैमेज कर दिया, इसने क्लासिकल एज को डैमेज कर दिया, इसने न्यू क्लासिकल को डैमेज कर दिया, विक्टोरियन को डैमेज कर दिया, क्योंकि इसने ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे जिससे पोइट्री की या राइटिंग की खिदमत ना हुई। कहता कोई ऐसे सबूत भी तो दे दे कि मिल्टन से पहले कुछ लोगों ने मिल्टन से अच्छा लिखा था, उन पे तो इसका असर नहीं था ना। अगर उन पे इसका असर नहीं था, बिसाइड्स हिम काम हो रहा था, तो वो वाला काम तो आप भी हो सकते हैं। तो आप मिल्टन को सारी बुराई का जिम्मेदार किस वजह से ठहराते हैं? तो ये कोई लॉजिक नहीं बनती इस हवाले से। इलियट एग्री डॉक्टर टिलियर्ड्स रिमार्क्स दैट मिल्टन एंड ड्रेडन हैड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। हाँ, डॉक्टर टिलियर्ड ने एक दो उसके एसेज हैं, क्रिटिसिज्म पे वर्क है, उसने लिखा था कि मिल्टन और ड्रेडन ने काफी हद तक डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी को भी अचीव किया है। इस पे हमारी डिटेल में मेटाफिजिकल पोएट्स में बात हो चुकी है। तो नो डाउट उनका इन्फ्लुएंस, डॉक्टर टिलियर्ड कहता है कि बुरा था, लेकिन उन लोगों ने कुछ खिदमत भी की है लिटरेचर की, तो हम इसको एज अ होलसम मुकम्मल तौर पर हम बुरा नहीं कह सकते। अच्छा जी, अब इसके बाद आ जाता है परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ रीप्रूफ। स्ट्रक्चर आप एतराज को कह सकते हैं कि रीप्रूफ का उसका एतराज क्या। इस हवाले से डॉक्टर जॉनसन को ये बेसिकली लेता है, डॉक्टर जॉनसन के जो तीन एतराजात हैं उनको सामने रखता है। नो डाउट मिल्टन वन में इसने डॉक्टर जॉनसन के एतराजात को परस्यू किया था, उसको फेवर किया था, उसको फॉलो किया था काफी हद तक, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। लेकिन अब यहाँ उसके तीनों एतराजात बता के उसको रिजेक्ट करेगा इन अ न्यू वे। ये कहता है कि डॉक्टर जॉनसन ने यह कहा था कि मिल्टन जो है यूनिफॉर्म पार्टिकुलरिटी ऑफ द डिक्शन, कि उसकी ने एक खास किस्म की पर्टिकुलर डिक्शन है, मखसूस डिक्शन है, यूनिफॉर्म सी डिक्शन है, कोई वेरिएशन नहीं है, इस वजह से मैं मिल्टन को रिजेक्ट करता हूँ। दूसरी बात उसने कही थी यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड्स विद फॉरेन इडियम्स, कहता है कि उसने जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको फॉरेन इडियम्स के साथ मिक्स करके एक अजीब सी जक्स्टापोजिशन पैदा कर दिया। लैंग्वेज को इसने ज्यादा टफ बना दिया है, लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स बना दिया है, लैंग्वेज को बहुत ज्यादा थिक कर दिया है, लैंग्वेज में फ्लेक्सिबिलिटी इसने खत्म करके रख दी है, मीनिंग की अप्रोच इसने खत्म करके रख दी है। तीसरी बात ये कहता है कि स्टाइल वाज नॉट मॉडिफाइड विद द सब्जेक्ट, कहता है कि जो सब्जेक्ट लिखना चाह रहा है उसके मुताबिक अपने स्टाइल को मॉडिफाई नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल उसके मुताबिक मिल्टन ने सारी की सारी पैराडाइज लॉस्ट है, वो एक स्टाइल में लिखती, ये वाली बात इलियट ने भी कही। अब हालांकि स्टाइल वेरी करता है विद द सिचुएशन, विद द एज, विद द कॉन्सेप्ट, विद द लैंग्वेज, लेकिन कहता है कि ये स्टैटिक रखता है, एक ही तरह से रखता है। सो दीज वर द रिजेक्शन बाय डॉक्टर जॉनसन ऑन मिल्टन। इलियट ने डॉक्टर जॉनसन की बातों का जवाब क्या दिया? इलियट एडमिट्स देम सब्सटेंशियली। पहली बात है कि कुछ हद तक इलियट ने उसकी बात मान ली, कहते हैं ये बात ठीक है, किसी हद तक उसको वो बात ठीक कहते हैं, लेकिन बट, ये बट जो है ना ये इस बात का जवाब है। He says the writing, language, diction, idioms, everything was not common for common people. His poetry is a farthest possible removed from prose. कहते हैं पहली बात तो ये है कि जो भी कुछ लिखा है मिल्टन ने, उसके अंदर उसने जो राइटिंग, लैंग्वेज, डिक्शन, इडियम जो भी इस्तेमाल किया, पहली बात तो ये ना तो सब्जेक्ट कॉमन है, ना वो कॉमन पीपल के लिए है,
ना वो टॉपिक कॉमन है, इस वजह से उसके अंदर कॉमन चीज़ आप कैसे डालेंगे। मिसाल के तौर पर हम अक्सर बात करते हैं कि आप जिस चीज़ की तारीफ कर रहे हों आपकी वोकैब और स्टाइल उस कैलेबर का होना चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी शख्स की तारीफ में और लिखी जाती है या किसी मौसम की तारीफ में लैंग्वेज कुछ और होगी। वही तारीफ किसी डिवाइन चीज़ के बारे में करते हैं, अब खुदा के बारे में करते हैं, अब हिम्स लिखते हैं, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नाते लिखते हैं, देवी देवताओं के लिए मुख्तलिफ कल्चर्स के अंदर चीज़ें ऑड्स लिखी जाती हैं, तो उनकी लैंग्वेज जो नॉर्मल ऑड्स लिखी जा रही हैं उन जैसी नहीं होनी चाहिए। एक जो नात है या एक हमद है उसकी लैंग्वेज कथन वैसी नहीं होनी चाहिए जैसे आप किसी शख्स की तारीफ में कह रहे हैं, उससे बियॉन्ड होनी चाहिए ना, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बियॉन्ड है, कहते इसने भी तो यही किया। इसकी लैंग्वेज, इसके इडियम्स जो भी इसने इस्तेमाल किए वो कॉमन पीपल कॉमन टॉपिक पे थे ही नहीं। तो इसकी जो पोइट्री है इज फार्देस्ट पॉसिबल रिमूव्ड फ्रॉम प्रोज। हाँ, कुछ लोगों ने इस पर एतराज़ किया था ना कि जो मिल्टन की पोइट्री इट इज़ लाइक अ प्रोज, उसने ब्लैंक वर्स तो इस्तेमाल कर दिया लेकिन वो एक प्रोज की तरह लगती है, कहते ये प्रोज तो नहीं है, प्रोज से ज़रा पीछे कह सकते हैं। हाँ, पोइट्री की फार्देस्ट पॉसिबल चीज़ ज़रूर है जहाँ तक पोइट्री पहुँच सकती है। इसके बाद ये डिफेंस ऑफ मिल्टन पर आ गया, ठीक है। अब इसने डिफेंस ऑफ मिल्टन पर कहते हुए ये कहता है, अब बाकायदा इसके डिफेंस करके ये बात अपनी वाइंड अप कर जाता है, कहता है कि मिल्टन इज अ ग्रेट पोएट ऑफ हिज ओन काइंड, नो डाउट ही कॉन्ट बी फॉलोड एज डेंटे एंड ओरेसिन, बट ही हैज हिज ओन ग्रेस। कहते हैं ये मैं मानता हूँ कि मिल्टन का जो स्टाइल है ना, डेंटे या ओरेसिन या ऐसे जैसे ढेर सारे लोग हैं उनकी तरह आप फॉलो नहीं कर सकते, वो एक बैरियर जरूर है, लेकिन मिल्टन एक अजीम शायर जरूर है, अपनी एक किस्म का शायर है, एक ऐसा शायर है जिस तक पहुंचना किसी के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन वो बड़ा शायर तो है ना। मैं ना अक्सर उर्दू अगर पोइट्री का हवाला दूं तो उसको ना इकबाल की पोइट्री के साथ जरूर मैं कंपेयर करता हूँ। आप ना उर्दू अदब के अंदर इकबाल के पाए का कोई शायर नहीं देखेंगे, इकबाल पे भी एतराजात हैं ढेर सारे लोगों ने किए, ठीक है, लेकिन इकबाल अपने एक स्टाइल में बड़ा शायर है, जैसे उन्होंने उर्दू और फारसी शायरी का इस्तेमाल किया है, नो बॉडी कैन डू एंड नो बॉडी डिड एंड आई थिंक नो बॉडी विल डू, लेकिन इससे आप ये तो नहीं कह सकते कि इकबाल अच्छा शायर नहीं। यही वाली बात मिल्टन है, डेंटे और रेसिन जैसे लोगों की तरह फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन मिल्टन एक बड़ा शायर जरूर है। ही हैज क्रिएटेड हिज ओन लैंग्वेज सिंटैक्स एंड डिक्शन बियॉन्ड द ट्रेडिशनल वर्सिफिकेशन एंड प्रोज, कहते उसने एक अपना स्टाइल इख्तियार किया, एक अपनी लैंग्वेज उसने रखी है, सिंटैक्स की फॉर्मेशन अपनी थी और डिक्शन उसने ऐसी ली है जो ट्रेडिशनल वर्सिफिकेशन के और प्रोज से बिल्कुल हटके है। ट्रेडिशनली आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं मिलती तो इतना है जो तो आप उसको देंगे ना कि उसने नॉन ट्रेडिशनल जितनी बड़ी चीज़ जाके लिखती है, एक अपनी चीज़ तख्लीक कर दी है, अपना सिंटैक्स, अपनी डिक्शन, अपनी एक ट्रेडिशनल वैल्यू उसने पैदा कर दी है उसके बारे में। फिर कहता है कि हर ही प्रेजेंटेड एडम एंड ईव डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमैनिटी, इनफैक्ट ही इज इंटरेस्टेड इन ह्यूमैनिटी इन एन अनकन्वेंशनल वे, इट्स ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ये भी एक एतराज़ किया जाता है कि मिल्टन ने जो एडम और ईव के बारे में लिखा है, इट इज़ नॉट फॉर द कॉमन पीपल, ये कॉमन लोगों के लिए है ही नहीं। कॉमन लोगों ने वो जो एक कॉमन मैन होता है, एक फीमेल एंड मेल, एक मर्द और औरत, उससे वो बियॉन्ड नज़र आते हैं। कहते हैं कि बियॉन्ड तो नज़र आते हैं, इसने उस पर लिखा इस तरीके से है कि उनको दूर करते करते वो लोगों के करीब ले आया है, वो ऐसे ले आया है, इसने इंसान का ओरिजिन तो बता दिया, एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म तो बता दी, टूअर इज ह्यूमन तो बता दिया ना, जस्टिफिकेशन तो दे दी वेज ऑफ गॉड टू मैन की, एंड सो ऑन, एक पूरी डिटेल है पैराडाइज लॉस्ट के थीम्स में। तो कहता है कि इसने ह्यूमैनिटी की खिदमत की है इन अ सेंस। अच्छा, अगर आप इसको जनरल टर्म में देखें, अगर इसके इस एस्पेक्ट पे एतराज़ किया जाए तो नो डाउट इसने ह्यूमैनिटी की खिदमत की है, इसने एक स्टैंडर्ड सेट किया ना। अगर आप क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट को देखें, यूनिवर्सल जूडाइज्म के कॉन्सेप्ट को देखें और इस्लाम के कॉन्सेप्ट को देखें, वहाँ पर एडम और ईव की चीज़ें तो हैं और कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स भी उनके सेम हैं, तो फिर वो अबाव अजदाद है ना, दैट वाज द ओरिजिन ऑफ ह्यूमैनिटी, तो उनके करेक्टरिस्टिक्स और कुछ चीज़ें उनके इंसानों में पाई जाती, तो उनको डिस्कस करना बेसिकली ह्यूमैनिटी को डिस्कस करना है टू सम एक्सटेंट। तो इस तरीके से इसने, अच्छा अब इसके बाद आगे मजीद वो कहता है कि मिल्टन्स ब्लाइंडनेस अनएबल टू स्टॉप हिम क्रिएटिंग सो इंटेंसिव इमेजेस लाइक स्पेस, बॉटमलेस डेप्थ, लाइट एंड डार्कनेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ एडन एंड हेल, साउंड्स ऑफ वेरियस काइंड्स, विल गेट सेज व्हाट मिल्टन सीज वी कांट सी। अच्छा देखिए, मिल्टन वन में आप लोगों को याद होगा इसने सख्ती से एतराज़ किया था कि उसका जो बहरापन है, जो अंधापन है,
वो उसके इमेजिनेशन की राह में हायल है। एक बंदा जो ना देख सकता है ना सही तरह सुन सकता है, वो अपनी राइटिंग के अंदर देखने और सुनने वाली इतनी बड़ी बड़ी इमेजरीज कैसे क्रिएट करता है। कहता है भाई क्रिएट होती है ना, उसने क्या खूबसूरत डेफिनेशंस और डिस्क्रिप्शंस दी हैं स्पेस के बारे में, बॉटमलेसनेस के बारे में, डेप्थ के बारे में, लाइट और डार्कनेस के बारे में, और जन्नत और जहन्नम का, फिरदौस बरी का जो उसने मंजर पेश किया। इलियट कहता है कि ये वाली चीजें तो वो जो देख सकता है तो वो तो हम आम बंदे में नहीं देख सकते। ये चीज नेगेटिव नहीं, ये चीज पॉजिटिव होती है कि उसके इमेजिनेशन एक कॉमन मैन से भी ऊपर के हैं। इन द एंड वो फाइनल बात ये करता है कि उसके बारे में कि मिल्टन वाज अ मास्टर ऑफ यूजिंग नॉन ड्रामेटिक ब्लैंक वर्ड्स, ही आल्सो सेट सम लिमिट्स दैट आर अनब्रेकेबल। कहते हैं कि आप उसको कह सकते हैं कि जो मिल्टन है वो मास्टर है, वो अपनी राइटिंग में पूरे तौर पर एक मास्टर है। उसने नॉन ड्रामेटिक ब्लैंक वर्ड्स को एक खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल किया और उसने कुछ लिमिट्स सेट कर दी हैं जो कि ब्रेकेबल हैं, जिन तक आप पहुंच नहीं सकते। जो पीपल मे बी अवेयर अबाउट द यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स इन द ड्रामास बाय क्रिस्टोफर मार्लव, उसने इस्तेमाल किया और उसके बाद इतनी ज्यादा खूबसूरती से, नो डाउट शेक्सपियर ने भी कहीं इस्तेमाल किया, लेकिन जितनी खूबसूरती से मिल्टन ने ब्लैंक वर्ड्स का इस्तेमाल किया है शायद किसी और ने इस तरह ना किया हो। तो इस हवाले से ये उसको सपोर्ट करता है कि उसका बहुत अच्छा काम है। तो यहाँ पर आके इसने टू सम एक्सटेंट काफी हद तक टीएस इलियट ने मिल्टन को एक्सेप्ट कर लिया मिल्टन टू के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट